गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को ऑप्टिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाऊँगा, दो चीज़ पढ़ाऊँगा। आपको ध्यान से देखना है, ये जो है आपका सेकंड ग्रुप सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स सिरामिक्स प्रिंटिंग 10th 11th सबके लिए ही बहुत उपयोगी है। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आप सभी को टेक्नोक्रेट क्लासेस टेक्नोमेडी क्लासेस एंड मिथटेनमेंट यूट्यूब चैनल की तरफ से स्वागत है। तो आइए समय को बिना बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिक्स होता क्या है? ऑप्टिक्स जो है क्या है, कहता है द A study of light is known as optics। कहता है जब हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं तो उसी को बोलते हैं ऑप्टिक्स। बट इट इज द branch of physics in which with dealing the nature रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस पोलराइजेशन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट ETC इज ऑल्सो known as optics। optics में हम लोग study करते हैं, dealing करते हैं nature, reflection, refraction, interference, polarization, dispersion of light, ठीक है, उसी को भी ऑप्टिक्स बोलते हैं। ऑप्टिक्स जो होता है दो टाइप का होते हैं, ऑप्टिक्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है रे ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स, और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स, और दूसरा होता है रे ऑप्टिक्स, इसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स या फिजिकल रे ऑफ लाइट बोलते हैं, और इसको ज्योमेट्रिकल रे ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी ऑप्टिक्स दो टाइप के, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, फिजिकल रे ऑफ लाइट या ज्योमेट्रिकल रे ऑफ लाइट। तो हमारा वेव ऑप्टिक्स क्या होता है,
इसको पहले पढ़ लेंगे। वेव ऑप्टिक्स कहता है कि वेव ऑप्टिक्स है, इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन इन विच द रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। हेंस वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं विच इज डीलिंग द एज ए ऑप्टिकल फेनोमेनॉन विदाउट बाई टेकिंग द अकाउंट ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ लाइट। इसी को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स का, वेव ऑप्टिक्स इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन इन विच द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। हेंस वी कैन से दैट द वेव ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डीलिंग द ऑप्टिकल फेनोमेनॉन बाई टेकिंग द अकाउंट ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। इसको क्या बोलेंगे, वेव ऑप्टिक्स। कहता है इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, अजम्पशन कल्पना पे आधारित है कि जो जिसमें कहता है कि इन विच द रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव यानी ठीक है वेव फॉर्म में, वेव फॉर्म में चलता है। तो वेव या तो ट्रांसवर्स हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यानी हमेशा वेव ऑप्टिक्स जो होता है वो किस में चलता है, वेव फॉर्म में। क्लियर। अब आगे आइए रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अजम्पशन, अजम्पशन इन विच द रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन अलोंग द पाथ। इसमें जो रे ऑफ लाइट जो चलता है स्ट्रेट लाइन में चलता है, हेंस इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स
in which dealing the optical phenomenon without taking the account of physical nature of light is called ray optics. हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे. रे ऑप्टिक्स में ही आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एक बार फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बंदा या जो स्टूडेंट्स चाहे वो टेक हो या नॉन टेक की दुनिया का हो, मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको टाइम टू टाइम टेक और नॉन टेक के लिए फायदा हो. आइए रे ऑप्टिक्स कहता है बीम ऑफ लाइट, ए बीम ऑफ लाइट इंप्लाइज टू द ग्रुप ऑफ रे बीच में भी पैरेलल डाइवर्ज एंड कन्वर्ज. यानी रे ऑप्टिक्स के लिए फॉर रे ऑप्टिक्स ए मीडियम इज नेसेसरी. मीडियम जरूरी है लाइट ट्रेवल के लिए. मीडियम जरूरी है. मीडियम या तो रेयर हो सकता है या तो डेंसर हो सकता है. लाइट जो है रे ऑफ लाइट हमेशा मीडियम में चलता है, मीडियम को फॉलो करता है. विदाउट मीडियम नॉट ट्रेवल. यानी या तो मीडियम रेयर हो सकता है या तो डेंसर हो सकता है. तो रे ऑप्टिक्स में तब यह कहता है कि ऑप्टिक्स कहता है जो ग्रुप ऑफ रे हो सकता है वो पैरेलल हो सकता है, एक दूसरे के पैरेलल या डाइवर्जेज. या कन्वर्जेज. पैरेलल डाइवर्जेज कन्वर्जेज. ग्रुप ऑफ लाइट जो होता है वो मीडियम में या तो पैरेलल चलेगा या तो डाइवर्ज या तो कन्वर्ज. क्लियर? तो कहता है रे ऑफ लाइट जब किसी सरफेस पे पड़ता है तो उसमें दो इंसिडेंट होता है. एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द बॉडी then two types of
इंसिडेंट अकर्स, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब किसी बॉडी पर आपको लाइट इंसिडेंट करता है तो दो टाइप के घटना घटती है, एक या तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा या दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। मैं बारी बारी से समझा देता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। कहता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, आइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं। ये आपका पॉलिश्ड बॉडी सरफेस है। कहता है दिस इज द नॉर्मल। कहता है जब कोई लाइट पॉलिश्ड बॉडी सरफेस पे इंसिडेंट करता है, इंसिडेंट करता है आई एंगल, तो ये रिफ्लेक्ट करता है सेम मीडियम में, रिफ्लेक्ट सेम मीडियम में विथ एंगल आर। तो इस टाइप के घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कहने का मतलब हुआ डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द पॉलिश्ड सरफेस बॉडी देन द रे ऑफ लाइट बाउंस्ड बाउंस्ड बैक इनटू द सेम मीडियम, सेम मीडियम में बाउंस्ड कर जाता है। दिस फेनोमेनन ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहता है कि सेम मीडियम में बाउंस्ड कर जाए, यानी बाउंस्ड बैक सेम मीडियम में बैक कर जाए, तो उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहता है इंसिडेंट रे हमेशा नॉर्मल के साथ एंगल आई बनाता है और रिफ्लेक्ट करता है आर के साथ। हेयर आई एंड आर इज इक्वल, वो बोलता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो हम आगे बताते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कहता है ये तो हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया, ये हमारा हो गया रिफ्रैक्ट एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल। तो दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज व्हाट एंड दिस एंगल इज व्हाट, इस एंगल को क्या बोलेंगे, इस एंगल को क्या बोलेंगे। तो दिस एंगल इज कॉल्ड ग्लेंसिंग एंगल और इस एंगल को बोलेंगे डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल हमेशा ग्लेंसिंग एंगल का दुगना होता है, दिमाग में रख लेना है। प्रूफ भी है लेकिन आप लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखेंगे डेविएशन नोट में। डेविएशन एंगल इज ऑलवेज
ट्वाइस द ग्लेंसिंग एंगल, यानी ये जो भी होगा मान लेते हैं थीटा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज यानी थीटा जी। अब ग्लेंसिंग एंगल का परिभाषा कर सकते हैं, इट इज द एंगल मेड विथ पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाई इंसीडेंट रे ऑफ लाइट। इंसीडेंट रे ऑफ लाइट के द्वारा जो सरफेस पॉलिश सरफेस से एंगल बनता है उसी को बोलते हैं ग्लेंसिंग एंगल। टोटल डेविएशन यानी द पाथ ऑफ इंसिडेंट एंगल बिटवीन पाथ ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे उसको बोलते हैं डेविएशन एंगल। क्लियर? अब आइए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल आई आर इंसीडेंट रे और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। कहता है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट होल्ड्स टू लॉ। कहता है जब कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस बॉडी पर द दो टाइप का लॉ होल्ड करता है। वन होता है फर्स्ट द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज एंगल आई बराबर एंगल आर। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपस में क्या होगा बराबर होगा, यानी दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट और दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? दूसरा लॉ है बॉडी इज पॉलिश्ड सरफेस, नीचे आप इस तरह से कर देंगे पॉलिश्ड सरफेस। दूसरा लॉ है द इंसीडेंट रे
ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट ए पॉइंट आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में, कोप्लेनर मीन्स एक ही प्लेन में, यानी जो है ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई, यानी एक ही प्लेन में हो। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट ए पॉइंट, वेयर इज द पॉइंट, मान लेते हैं पी इज द पॉइंट, आर कोप्लेनर, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण जो इंसिडेंट होता है, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूँ, विजिबिलिटी यानी जो भी आप वर्ल्ड में आप आँखों से देख रहे हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो आप उसको नहीं देख सकते हैं। वो भी रिफ्लेक्शन कौन होगा, पैरेलल, पैरेलल रे ऑफ लाइट नहीं होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, पैरेलल रिफ्लेक्शन होगा, जब भी होगा तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। जितना भी आप बॉडी आप ये देख रहे हैं तो यह अनेवन है, ये इसका पार्ट पूरा प्लेन नहीं है, तो जब रे ऑफ लाइट इसे इंसिडेंट करते तो इसे इंसिडेंट करके हर पॉसिबल एरिया में, हर पॉसिबल एरिया में क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण ही मैं किसी को देख सकता हूँ। तो आइए सबसे पहले पैरेलल रिफ्लेक्शन, यानी हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नॉट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता है, लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण ही हम जितना भी वर्ल्ड में, धरती पर जितना भी चीज़ है, जो भी वस्तु है, जो भी सिस्टम है, जो भी बॉडी है, वो दिखाई देता है। तो आइए देखिए कैसे होता है पैरेलल रे ऑफ लाइट और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। पैरेलल रिफ्लेक्शन, ऑफ लाइट, ये आपका बॉडी है, जहां से भी हर जगह नॉर्मल, 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 नॉर्मल। कहता है द पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन व्हिच आर फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो रिफ्लेक्शन हो बॉडी से वो फॉलो करे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, तो उसको बोलते हैं पैरेलल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन द पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट रिफ्लेक्टेड इन सेम मीडियम विथ फॉलो द
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देन इट इज कॉल्ड पैरेलल रे ऑफ पैरेलल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पैरेलल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर। अब आइए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कोई पॉलिश सरफेस है, ये क्या है पॉलिश सरफेस है लेकिन ये अन एवन है, उबड़ खाबड़ उबड़ टेढ़ा मेढ़ा है, उबड़ खाबड़ है। अब इस पे हम पैरेलल ए आपका इधर, ए आपका इधर, आप यहां से इस पे करते हो ये भागता है इसे, यहां देते हो ये भागता है, इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है। जो भी है ये इधर भागा, इधर भागा, यानी ऑल पॉसिबल एरिया में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट करता है इन सेम मीडियम। तो इस टाइप के बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहता है व्हेन द रे ऑफ लाइट, व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द पॉलिश्ड या रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर दिए, इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी देन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन द सेम मीडियम इज नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। कहता है और इंसिडेंट कर रहा है रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंसिडेंट करता है रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जब रिफ्लेक्शन होता है तो उसी को बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहता है ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑल ऑब्जेक्ट ऑन द वर्ल्ड वी कैन सी या और विजिबल। कहता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही ऑल ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं या विजिबल होता है। अगर आपको
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नहीं हो तो वो होगा क्या होगा, क्वाइट डार्क होगा या क्वाइट ब्राइट होगा। इफ द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट इंट्रोड्यूस देन ऑल बॉडी सीन क्वाइट ब्राइटनेस और क्वाइट डार्क। या तो पूरा अंधेरा दिखाई देगा या तो पूरा एकदम से व्हाइट दिखाई देगा, यानी दिखाई नहीं देगा। तो यही डिफ्यूज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगला लेक्चरर मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है और लड़के देख नहीं पाते अच्छे से, इसलिए शॉर्ट टाइम में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया हूँ। और देखें अगर मेरा चैनल मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है तो आप उसको शेयर भी करें और कमेंट भी करें और लाइक भी करें, और जो चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू।